विशेष जयमाला। फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में सुनिए अपने दौर की जानी मानी फिल्म अभिनेत्री और गायिका सुरैया द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग। फौजी भाइयों, आदाब। जब भी कहीं मुझे कुछ कहने का मौका मिलता है तो यादों का एक तूफान सा उमड़ आता है और मैं उसकी ऊंची नीची लहरों में खो सी जाती हूँ। जब मेरी पहली फिल्म स्टेशन मास्टर बन रही थी तो नौशाद साहब ने मुझसे एक बच्चों का गीत गवाया था। उस फिल्म में मैंने भी एक बच्चे का ही रोल किया था। जब लोगों ने ये गीत सुना और पसंद किया तो फिल्म शारदा की हीरोइन महताब के लिए नौशाद साहब ने मुझसे एक गीत और रिकॉर्ड करवाया। रिकॉर्डिंग के वक्त महताब ने देखा कि एक छोटी सी बच्ची स्टूल पर खड़े होकर उनके लिए गा रही है, तो वो बड़ी नाराज हुई, मेरे ऊपर नहीं फिल्म बनाने वालों पर। और जब ये गाना हिट हुआ तब उनकी नाराजगी दूर हो गई और फिर तो मैंने उनके कई गीत गाए। हाँ, तो फौजी भाइयों, इस वक्त अपना जो गीत मैं पेश कर रही हूँ वो फिल्म दर्द का है। बीच भंवर में, बीच भंवर में आन फंसा का सफीना, चाहे मदीना। बीच भंवर में, बीच भंवर में आन फंसा है दिल का सफीना, चाहे मदीना। बीच भंवर माना था जब मैं फिल्मी दुनिया में नहीं आई थी और उस वक्त भी सैगल साहब की फिल्मों को बड़ी शौक से देखती थी। उनके गानों ने मुझ पर जादू की तरह असर किया था और मैं अकेले में उन्हीं के गीत गाती रहती थी। ये कभी सोचा भी ना था कि उनके साथ मेरी फिल्में भी बनेंगी, लेकिन सैगल साहब के साथ मेरी तीन फिल्में बनी, तदबीर, उमर खय्याम और परवाना। मुझे फख्र है कि मैंने उनके साथ काम किया और बहुत कुछ सीखा। एक बार मैंने उनसे पूछा, सैगल साहब, आप इतना अच्छा कैसे गा लेते हैं? तो सैगल साहब ने जवाब दिया, हम जिस गाने को गाते हैं पहले उसके जज्बात को समझते हैं, उसकी भावनाओं में डूब जाते हैं और तब वही भावनाएं सुरों में ढल कर निकलती हैं। शौक इकरारे वफा क्या है, बकदरे शौक इकरारे वफा क्या है, हमारे शौक की है इंतहा क्या है,
हमारे शौक की है तू सहा क्या दिले आफत लता का मुद्दा क्या दिले आफत लता का मुद्दा क्या शिकस्ता साथ क्या उसकी सदा क्या है शिकस्ता साथ क्या उसकी सदा क्या मोहब्बत का यही जब शगल ठहरा मोहब्बत का यही जब शगल ठहरा तो फिर आहे रसा क्या ना रसा क्या है तो फिर आहे रसा क्या ना रसा क्या है बकदरे शौक इकरारे वफा क्या दुआ दिल से जो निकले कारगर हो दिल से जो निकले कारगर हो यहाँ दिल ही नहीं दिल से हुआ क्या यहाँ दिल ही नहीं दिल से हुआ क्या वक्त दे शौक इकरारे वफा क्या वक्त दे वफा क्या सलामत दामने उम्मीद सीमा सलामत दामने उम्मीद सीमा मोहब्बत में किसी का आसरा क्या आजकल तो एक्टिंग सिखाने के बाकायदा स्कूल खुले हुए हैं लेकिन एक्टिंग फिर भी जरा कमजोर दिखाई देती है मुझे तो ऐसा लगता है कि आज के कलाकार कला की तरफ ध्यान कम देते हैं पुराने कलाकारों में सहगल साहब और मोतीलाल जी ऐसे कलाकार थे जिनकी एक्टिंग और जिंदगी में फर्क महसूस नहीं होता था इसकी वजह ये थी कि इन लोगों ने कला को अपने जीवन में ढाल लिया था ये मेरी खुशनसीबी है कि मैंने मोतीलाल जी के साथ में भी कई फिल्मों में काम किया है मोतीलाल जी की आखिरी फिल्म छोटी छोटी बातें आपने देखी होगी तो बताइए क्या आप उनकी एक्टिंग भुला सकते हैं नहीं तो लीजिए अब उसी फिल्म का ये गीत सुनिए जिंदगी का जब फसाना है रोते रोते जिंदगी
था पर न थी ये खबर, दिल लगाया था पर न थी ये खबर, मौत का ये भी एक बहाना है। रोते रोते भी मुस्कुराना है, जिंदगी का अजब फसाना है। रोते रो शमा परवाना में मेरा और शम्मी कपूर का साथ था। उन दिनों शम्मी कपूर फिल्मों में नए नए आए थे, बहुत दुबले पतले नाजुक से थे। अगर उस वक्त वो उछल कूद करते तो शायद मैं ये कह देती, जरा संभल के कहीं कमर में लोच ना आ जाए। खैर लीजिए, इसी फिल्म का गीत हाजिर है जो मैंने और रफी साहब ने गाया है। मशहूर गायक मन्ना डे अपने चचा केसी डे साहब के साथ पहली बार जब बंबई आए थे, तब फिल्म तमन्ना के लिए हम दोनों का एक युगल गीत रिकॉर्ड हुआ था। उस वक्त मैं इतनी छोटी थी कि स्टूल पर खड़े होकर ही गाती थी। इस वक्त उनका गाया वो गीत सुनवा रही हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। जनक जनक तोरे बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, जनक जनक तोरे बाजे पायलिया।
विविध भारती पर जारी है कार्यक्रम विशेष जयमाला और आप सुन रहे हैं अपने दौर की जानी मानी अभिनेत्री और गायिका सुरैया द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग। इस कार्यक्रम का शेष भाग हम आपको सुनवाएंगे एक अंतराल के पश्चात। अंतराल पूरा हो चुका है फौजी साथियों और अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अभिनेत्री और गायिका सुरैया द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग का शेष भाग। फौजी भाइयों, फिल्म प्यार की जीत आप लोगों में से बहुतों ने देखी होगी और इस फिल्म का वो गीत भी याद ही होगा, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। मुझे और रहमान साहब को इस गीत के बोल पर बड़ी हंसी आती थी। खैर, रहमान साहब की तो बात ही निराली है, बड़े ही पुरमजाक हैं वो। खास तौर पर सीरियस सीन से पहले तो मुझे जरूर हंसाते थे। अच्छा, अब सुनिए उसी फिल्म का ये गीत। ना तड़पने की इजाजत है, ना फरियाद की है, घुट के मर जाऊं ये मर्जी मेरे सैयाद की है। कोई दुनिया में हमारी तरह बर्बाद ना हो, कोई दुनिया में हमारी तरह बर्बाद ना हो। दिल तो रोता हो मगर होठों पे फरियाद ना हो, दिल तो रोता हो मगर होठों पे फरियाद ना हो। देख के एक प्यार
तेरे प्यार की दुनिया कभी आबाद ना हो जा तेरे प्यार की दुनिया कभी आबाद ना हो दिल तो रोता हो मगर होठों पे फरियाद ना हो दिल तो रोता हो मगर होठों पे फरियाद ना हो सज्जाद हुसैन की तर्जें मैंने पहली बार फिल्म 1857 में गाई थी तब से ख्वाहिश थी कि सज्जाद साहब की चीजें गाने का और मौका मिले इसी इंतजार में एक जमाना गुजर गया तब जाकर फिल्म रुस्तम सोहराब बनी और इसी में है ये मेरा नगमा ये कैसी अजब दास्तां हो गई है छुपाते छुपाते अपना मनपसंद रोल करने की बड़ी ख्वाहिश होती है और ये ख्वाहिश बड़ी मुश्किल से पूरी होती है मैंने एक फॉरेन फिल्म देखी थी और कारदार साहब से उसका जिक्र करते हुए मैंने कहा मुझे इस फिल्म में हीरोइन का रोल बहुत पसंद आया मुझे इस तरह का रोल करने की बड़ी ख्वाहिश है आप कोई इसी तरह की कहानी तैयार कराइए और वैसा ही रोल लिखिए कुछ दिन बाद
कारदार साहब ने एक कहानी सुनाई, उसमें हिरण का रोल वैसा ही था जैसा मैंने कहा था। गोया ये मेरा मन पसंद रोल था। ये फिल्म दीवाना के नाम से मशहूर है और साथ ही साथ ये गाना भी। मोरा नाजुक बदन छुए चंचल पवन, मोरा नाजुक बदन छुए चंचल पवन, लाजे खियन में आए जियादा धड़क धड़क जाए, लाजे खियन में आए जियादा धड़क धड़क जाए, मोरा नाजुक बदन। विविध भारती पर जारी है कार्यक्रम विशेष जयमाला और आप सुन रहे हैं अपने दौर की जानी मानी अभिनेत्री और गायिका सुरैया द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग। इस कार्यक्रम का शेष भाग हम आपको सुनवाएंगे एक अंतराल के पश्चात। अंतराल पूरा हो चुका है फौजी साथियों और अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अभिनेत्री और गायिका सुरैया द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग का शेष भाग। जब से
यादों के झरोकों में अब मुझे अनमोल घड़ी दिखाई दे रही है और यूं महसूस हो रहा है कि वो दिन मुझे आवाज दे रहे हैं। इस फिल्म में वैसे सुरेंद्र जी और नूरजहां का मेरा साथ था। जी हाँ, नूरजहां, जिनकी आवाज को हम लोग आज तक आवाज देते हैं। आवाज दे कहाँ है दुनिया मेरी जहाँ है, आबाद मेरे दिल में मीठा जहाँ है, दुनिया मेरी जहाँ है, आवाज दे कहाँ है। मौके ऐसे आते हैं जिन पर इंसान सदा नाज करता है। मेरी जिंदगी में भी एक मौका ऐसा आया था जब फिल्म मिर्जा गालिब को प्रेसिडेंट्स अवार्ड मिला और उस फिल्म का एक खास शो राष्ट्रपति भवन में हुआ। पंडित जी हर सीन पर खुद मुझसे मेरी तारीफ करते और मैं फूली ना समाती। इस वक्त मिर्जा गालिब की गजल पेश है, नुक्ता ची है गमे दिल उसको सुनाए ना बने, क्या बने बात जहां बात बनाए ना बने। नुक्ता ची है गमे दिल उसको सुनाए सुनाए न बने,
बनी बात जहां, बात बनाए न बने, नुक्ता ची है जी। भाइयों, गीत संगीत और अपनी भूली बिसरी यादों की जयमाला मैंने आपको पेश की। उम्मीद है आपका दिल कुछ पहला होगा। अब मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद। अभी आप सुन रहे थे अपने दौर की जानी मानी अभिनेत्री और गायिका सुरैया द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग। ये कार्यक्रम हमने प्राप्त किया विविध भारती के संग्रहालय से। Thank you.